हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ पुनीत पांडे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। चलिए देखते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व क्या है। ये बेसिकली जो टॉपिक है ये आपके यूपीएससी के मेंस के जो सिलेबस है उसके कंजर्वेशन वाले सेक्शन को एड्रेस करता है। इसके साथ ये यूपी पीसीएस का जो सेक्शन है बेसिकली जो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट उसको भी ये न्यूज़ एड्रेस करती है। तो हुआ ये है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 3 टाइगर रिजर्व थे, जबकि रानीपुर टाइगर रिजर्व इसको अभी अभी चौथा टाइगर रिजर्व ग्रुप में मान्यता दे दी गई है। ये टाइगर रिजर्व यूपी के चित्रकूट में उपस्थित जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसी को अब कन्वर्ट कर दिया गया है रानीपुर वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व में। और ये बुंदेलखंड जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, जो निचला हिस्सा है उसका पहला टाइगर रिजर्व है। अभी अभी सितंबर में बेसिकली उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट ने इसका लिए प्रस्ताव पारित किया था, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38(5) के तहत जो है इस टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। इस टाइगर रिजर्व का जो टोटल एरिया है ये लगभग 529.89 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 299.58 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है दैट इज ऑफ बफर जोन, और 230 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो कोर जोन के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिलहाल इस टाइगर रिजर्व में अपना कोई भी टाइगर नहीं इसमें, यानी कि ऐसा टाइगर रिजर्व है देश का जिसमें किसी भी प्रकार का टाइगर अभी तक वहां पर उपस्थित नहीं है। तो फिर इसको टाइगर रिजर्व क्यों घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स के पगमार्क्स यानी कि जो पैरों के निशान है वो मिले, और इस क्योंकि ये बुंदेलखंड हिस्से में है जो कि मध्य प्रदेश से मिला हुआ हिस्सा है, और मध्य प्रदेश के जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां के टाइगर्स जो है यहाँ पर आते रहे हैं और उन्हीं के पगमार्क्स या पैरों के निशान यहाँ पर मिले हैं। इसी वजह से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसको एनटीसीए भी कहा जाता है उसने इस सेक्शन को एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर के लिए के रूप में मान्यता दी है। किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स, यानी कि यहां से होकर टाइगर्स का मूवमेंट होता है। अभी जो है चूंकि इस टाइगर रिजर्व में अपना कोई टाइगर है नहीं, इसलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो पीटीआर के नाम से विख्यात है यहां से लगभग 27 टाइगर्स को यहाँ इस टाइगर रिजर्व में आने वाले समय में रिलोकेट किया जाएगा। और इस जो टाइगर रिजर्व की एक और खास बात है, यहाँ पर केवल टाइगर्स ही नहीं और अन्य प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक बक और चिंकारा, लेपर्ड और वुल्फ, इस तरह के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी यहाँ पर मिलती हैं। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना जो थी जब जब जो ये अभी टाइगर रिजर्व बना है, पहले इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में स्थापित की गई थी, और ये बेसिकली टाइगर्स की पॉपुलेशन जो जनसंख्या उसको बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अभी इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है मात्र, जिसका एक पहला है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत और तीसरा है अमनगढ़। और अमनगढ़ जो है ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड का उसका बफर एरिया के रूप में इसकी इसको मान्यता दी गई है। इन 3 टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त जो रानीपुर है ये उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है वो तो हमें पता ही है, साथ ही साथ ये देश का 53rd यानी 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।